नोटबंदी की मार झेल रहे लोगों के लिए बुरी खबर है, और वो ये कि इसी महीने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफा होने के आसार हैं। खबर है कि पेट्रोल डीजल के दामों में 6 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की बड़ी कीमतों का असर अब भारतीय तेल कंपनियों पर भी होने जा रहा है। 15 दिसंबर को तेल की कीमतों की समीक्षा की जाएगी और इसके बाद करीब 6 रुपए प्रति लीटर तक कीमतें बढ़ाई जा सकती है। हालांकि जानकारों का मानना है कि ये बढ़ोतरी 2 बार में की जा सकती है, जिससे ज्यादा हंगामा ना हो। खबरों के मुताबिक हिंदुस्तान पेट्रोलियम के चेयरमैन मुकेश सराना का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतें बढ़ने से देश में भी कीमतें बढ़ेंगी और इसका बोझ ग्राहकों पर एक बार में नहीं डाला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में पिछले एक महीने में 15% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। 2001 के बाद ओपेक के सदस्यों के बीच पहली बार क्रूड ऑयल का उत्पादन घटाने पर सहमति बनी है। इससे क्रूड ऑयल की कीमतें और बढ़ने के आसार हैं। एक तरफ नोटबंदी से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की खबर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जाहिर है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने से महंगाई भी बढ़ेगी और साथ ही साथ लोगों की मुश्किलें भी। देखते रहिए डीबी लाइव।